सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गेला, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। एक नवंबर की महा डिबेट को लेकर तैयारियां मुकम्मल। भलके 12 बजे PAU लुधियाना में होगी महाबहस। विरोधी आगुओं के बहस में शमूलियत करने उत्ते 705 बरकरार। साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया ते आम आदमी पार्टी के बुलारे मलविंदर कंग होया मूह सामने। मजीठिया ने इस वेल के मुद्दे उत्तों ध्यान भटकाने लई बहस का मुद्दा छेड़न का किया दावा। कंग ने मजीठिया तो मंगे कई सवालों के जवाब। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतशी ने किया बड़ा दावा, कहा 2 नवंबर को केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती ईडी। केजरीवाल को ईडी वालों भेजे समन का दिता हवाला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब सरकार वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान अते सारियां सियासी पार्टियां विचकार लुधियाना विच भलके होण वाली खुली बहस लई सूबे दे सारे लोगों नूं सद्दा दित्ता गया। यूनिवर्सिटी दे हाल विच होण वाले प्रोग्राम नूं लैके सुरक्षा दे लिहाज नाल पुलिस ने भी लक बन लिया। यूनिवर्सिटी दे अंदर अते बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करन दे हुकम दित्ते गए ने। PAU दी सुरक्षा व्यवस्था DGP गौरव यादव ने स्पैशल DGP अर्पित शुक्ला नूं सौंपी है। अर्पित शुक्ला ने दस्सिया कि तैयारियां पूरियां ने ते चंगी तरह नाल कीतियां गईयां ने तां जो किसी नूं किसी तरह की कोई मुश्किल ना आवे। उन्हें कहा कि यूनिवर्सिटी के कोने कोने उत्ते पंजाब पुलिस के मुलाजम तो तैनात रहेंगे ही, नाल ही इंटैलीजेंस टीमां भी तैनात रहेंगियां। PAU के नेड़े तेड़े पुलिस के दस्ते विखाई देने लग पए ने, भाव यह इलाका पुलिस सौणी विच तब्दील होया लग रहा है। श्रोमणी अकाली दल बादल के आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने 1 नवंबर की बहस तो पहला दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने अदालत में कहा कि वह इस बिल बनाना चाहती है पर विरोधी पार्टियां इस नूं बन नहीं दे रही। उन्होंने दावा किया कि इस बिल ना बनी सी ते ना ही बनेगी। उन्होंने PAU विच पुलिस की बेतहाशा नफरी को लेकर भी सवाल चुके कि बहस वाली थान छावनी क्यों बनाया जा रहा है। जिहड़ी मौजूदा सरकार है उहदी मनशा ते उहदी जिहड़ी पॉलिसी है वो पिछले कई दिनों तो हौली 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 सारा कुछ सामने बेनकाब हो रहा। मुद्दा तो सी जी SYL, मुद्दा तो सी कि सुप्रीम कोर्ट के जो स्टैंड आम आदमी पार्टी ने जाके ले लिया कि असी SYL बना के राजी हाँ, ओपोजिशन पार्टीज बन नहीं देनिया चाहुंदियां। मुद्दा तो इतों शुरू होया, जे तुसी याद करो रौला पैना क्यों शुरू होया, पानिया दे करके SYL नू जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि एदी तुसी यूनियन ऑफ इंडिया नू कहता कि तुसी एदी सर्वे शुरू करो, उस गल तो रौला पैना शुरू होया। मगर मौजूदा CM साहब दी जिहड़े इलैक्टेड CM ने उन्हां दा फर्ज तो बनता सीगा कि ऑल पार्टीज़ नू पंजाब दे जिहड़े पानिया दे बारे लोग चिंतित ने उन्हां नू नाल लैके चलण दी जरूरत सी। मगर मुख्यमंत्री साहब ने क्योंकि एजेंडा दिल्ली का कल प्रोग्राम का नाव तो रखता पंजाब बोलता है, मगर भाई पंजाब नहीं बोलता, बोलता तो जां केजरीवाल बोलता जां पंजाब पुलिस का कल एजेंडा बोलता, और तो कुछ बोल ही नहीं रहा कल। आम आदमी पार्टी ने 1 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ते विरोधी धिरां दे नेतावां विचकार होने वाली बहस को लेकर वड्डा बयान दिता है। आम आदमी पार्टी के मुख्य बुलारे मलविंदर सिंह कंग ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की कहा कि असल में विरोधी धिर के आगू पंजाब के मुद्दों उत्ते सार्थक बहस नहीं करवाना चाहते। कंग ने कहा कि विरोधी पार्टियां बहस में हिस्सा न लैण का बहाना लभ रही ने। कंग ने मजीठिया को चैलेंज किया कि जेकर भगवंत मान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहर बनाने की मंजूरी की गल कही हो तां सुखबीर सिंह बादल ने उसके कागज़ भी नाल दे के भेजन अते नाल ही गुड़गांव के होटलों के कागज़ भी लैके आउण। सुनील जाखड़ नूं जवाब दिंदे उन्हें कहा कि हरियाणा ते केंद्र विच भाजपा की सरकार है ते जाखड़ पंजाब के प्रधान ने, इसलिए उन्हें इस वेल का मुद्दा हल करवाउण लई अगे आना चाहिए। कि 1 नवंबर नूं होण जा रही इस इंपोर्टेंट पोलिटिकल चर्चा च जरूर जाखड़ साहब, सुखबीर सिंह बादल साहब, प्रताप बाजवा जी और राजा वड़िंग बतौर कांग्रेस प्रधान हिस्सा लैन और असी उम्मीद करते हैं।
अज विक्रम सिंह मजीठिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ते कुछ सवाल खड़े किए हैं। हालांकि असी फिर कहने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन तो यह कहा है भी तुसी सारे गुरुआ की बाणी, मैं एक बार तुहानू एजेंडा भी दस दिना है ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुला सद्दा दिता सी इन्हां पार्टियां नू, पार्टियां दे प्रधानां नू, उन्हां च उन्होंने कहा सी पंजाब दे तमाम वो मुद्दे कि किन्ने पंजाब नू लुटिया, भाई भतीजे साले जीजे मित्र मुलाजे टोल पलाजे, जवानी किसानी व्यापार दुकानदार गुरुआ की बाणी ते नहरां दा पाणी। तो मोटे मोटे तौर पर सारे मुद्दे, चाहे वह SYL दा है, चाहे गुरबाणी ते एकाधिकार की गल है, चाहे जवानी या किसानी पॉलिसी नहीं बनी, तमाम मुद्दों ते कवर होंदे है। लेकिन मजीठिया साहब का यह कहना भी सुप्रीम कोर्ट च जाके आम आदमी पार्टी ने एक मतलब कंसेंट देती है मान साहब की सरकार ने कि असी तो नहर बनाने तैयार हैं कि विरोधी धिर नहीं बनाने चाहते। मैं तुहाडे राही मजीठिया साहब नूं इह चैलेंज करदा, चुनौती दिना कि तुहाडे पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल साहब नूं इनवाइट किया, तुसीं उन्हां नूं भी यह कागज फड़ा दो कि जिथे आम आदमी पार्टी पिछले 1.5 साल च पंजाब के खिलाफ किते भी भुगती होवे वो डॉक्यूमेंट जरूर लैके आओ। ये साडा मेरा चैलेंज है विक्रम मजीठिया जी नूं, तुसीं वो भी कागज फड़ा के भेजो जिहड़ा गुड़गावां च 5-स्टार होटल वास्ते प्लाट जिहड़ा अलॉट होया सी उहदी रजिस्ट्री, जे तुसीं नहीं भेज सकते साढ़े मुख्यमंत्री जी को जरूर होगी, पर मेरी तुहानू भी बेनती है मजीठिया साहब, गुड़गावां प्लाट की रजिस्ट्री का कागज भी सुखबीर सिंह बादल साहब नू दे के भेजन। 2016 च जाखड़ साहब कहिंदे सी कि प्रधानमंत्री जी चाहे, जाखड़ साहब दे यही शब्द सी, जाखड़ साहब सुन लियो तुसी भी, कि प्रधानमंत्री चोण ते एक मिनट च पानियां दा मसला हल हो सकता है। हालांकि जाखड़ साहब उदों कांग्रेस दे प्रधान सी, अज ते जाखड़ साहब तुसी BJP दे प्रधान हो, जिहड़ा हरियाणा पंजाब तो पानी मंग रहा उत्थे भी भाजपा सरकार, ते जिहड़े देश की अगवाई वाली सरकार है वह भी भाजपा दे प्रधानमंत्री मोदी जी, ते जाखड़ साहब क्यों नहीं मोदी साहब को 5 मिनट च, 1 मिनट च, 2 मिनट च, 10 मिनट च मसला हल करवाउंदे, पंजाब दे हक जिहड़े आ वापस लैके दिंदे। जाखड़ साहब बड़ा सौखा, एवें कदी लुधियाने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कदी कितें चंडीगढ़ करते हो, अज जे तुसी वाकई पंजाब दे प्रति संवेदनशील हो, सीरियस हो, दर्दी हो, ते पंजाब दे हित हक वापस लैके दो, पानियां वाला भी ते चंडीगढ़ वाला भी। ये जाखड़ साहब तुहानू भी चुनौती है, एवें इधर उधर दे ड्रामेबाजियां ना करो, बड़े सीनियर सत्कारयोग लीडर हो तुसी। कल की डिबेट च जाखड़ साहब नूं असी 30 मिनट की जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा है उन्होंने 45 तो 50 और 55 मिनट भी देवांगे, क्योंकि जाखड़ साहब कांग्रेस के भी प्रधान रहे, जे उन्होंने बारे भी कोई गल करनी, उन्होंने पासे की भी कोई गल करनी, जाखड़ साहब वो भी कर लैन, तो तुहाडा BJP वाला टाइम तो सिक्योर रहूगा जाखड़ साहब। इस करके तुहानू घबराउण की लोड़ नहीं, लेकिन ये ड्रामेबाजी हुण बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। पंजाब दा मुख्यमंत्री, पंजाब दा सरकार कितने काणी है, ते मेरियां सारियां विरोधी धिरां नूं इह चैलेंज है, चुनौती है, कल वाली सार्थक चर्चा तो भज्जियो ना, सारे कागज लैके आयो, बहाने आने बहाने ना लाओ। कदी कहते ने वेन्यू ठीक नहीं है, कदी कहते ने जिहड़ा वो मंच संचालक ठीक नहीं है, ये सारे आने बहाने है, इहदा मतलब तुसी चर्चा दा हिस्सा नहीं बनना चाहुंदे। और जे तुसी पंजाब दे इन्हां मुद्दियां ते हिस्सा नहीं बनना चाहुंदे, इहदा मतलब तुसी पंजाब दे प्रति संजीदा नहीं हो, सीरियस नहीं हो। आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता ते दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मुख्यमंत्री केजरीवाल तो डर लगता, इसलिए
2 नवंबर उन्होंने गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। आरसी ने कहा कि केजरीवाल का खौफ अजे है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा उन्होंने गिरफ्तार करने की तैयारी में है। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक तो बाद एक झूठे दोषों में पार्टी के सीनियर नेताओं गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उन्हें कहा कि भाजपा वालों अपने खिलाफ आवाज़ चुकने वालों को जेल भेजना सीबीआई ईडी की दुरवरतों करने का काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल से खत्म नहीं होगा। उन्हें कहा कि इंडिया गठजोड़ का हर नेता इसकी लपेट में आएगा। आतिशी ने अगे कहा कि केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा। हर पास खबर आ रही है कि 2 नवंबर को ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देगी। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बना बनाकर, झूठे आरोप लगा लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार उत्ते जासूसी का दोष लगाते कहा कि विरोधी नेतावां दे फोन टैप किए जा रहे हैं, उनके दफ्तरों में भी अजिहियां गतिविधियां की जा रही ने, पर वो डरन वाले नहीं तो सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज़ चुकते रहेंगे। पार्टी हैडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि विरोधी धिर के आगुओं की जासूसी की जा रही है और उनके दफ्तर भी इसकी लपेट में ने। विरोधी नेताओं को एप्पल तो एक नोटिस मिले जिस में लिखा है कि सरकार तुहाडे फोन को हैक करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने दावा किया तो कहा कि यह संदेश उनके दफ्तर के लोगों के नाल नाल कई विरोधी नेताओं को भी मिले ने। उन्होंने कहा कि उनके कोल इसकी पूरी सूची है। सरकार हुण विरोधी नेतावां की जासूसी करवा रही है। उन्हें कहा कि अज ही एप्पल तो नोटिफिकेशन आया कि तुसी सरकार दे निशाने ते हो। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, Apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व्ड है। राज्यसभा मेंबर ते आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपना फोन हैक होने का दावा किया। इसके नाल ही उन्हें आईफोन वालों आए सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज भी लोगों नाल सांझे किए ने। राघव चड्ढा ने अपना फोन हैक होने का दावा करदे कहा कि भाजपा की संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की एक सोची समझी चाल है और यह देश के हर व्यक्ति की प्राइवेसी और सुरक्षा के उपर वड्डा सवाल खड़ा करती है। उत्थे उन्होंने कहा कि हरेक भारतीय
चिंतित होने की लड़ है क्योंकि अज मैं हाँ कल तुम भी हो सकते हो। चड्डा ने इसनों देश के लोकतंत्री हितों से देश के लोगों उत्ते हमला करार दिता है। अगले महीने श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पुरब के मौके पर राज्यसभा मैंबर विवेकरणजीत सिंह सानी ने श्री हरिमंदर साहब के विरासती रास्ते को सुंदर बनाने और साफ सफाई लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सानी ने कहा कि 40,000 नौजवानों नशियां विरुद्ध प्राण लैण लई श्री दरबार साहब के हाल ही में अपनी फेरी दौरान उन्होंने यह देख के दुख होया कि श्री हरिमंदर साहब को जाने वाले रास्ते की सही ढंग से सांभ संभाल नहीं की गई और हैरीटेज वाक वाली सड़क उत्ते गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सानी ने दसा कि वह 1 रोड स्वीपर मशीन वाला ट्रक मुहैया करवाएंगे जो विरासती गली की वार बार चंगी तरह सफाई करेगा। इस दे नाल ही वह गली के सुंदरीकरण लिए लगभग 50 लाख रुपए की ग्रांट प्रदान करेंगे जिस विच वधिया रोशनी लेन के दोवें पासे हरियाली अपाहज लोगों लिए सुचारू आवाजाही वास्ते सहूलत शामिल ने। अगले महीने श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पुरब के मौके पर राज्यसभा मैंबर विवेकरणजीत सिंह सानी ने श्री हरिमंदर साहब के विरासती रास्ते को सुंदर बनाने और साफ सफाई लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सानी ने कहा कि 40,000 नौजवानों नशियां विरुद्ध प्राण लैण लई श्री दरबार साहब के हाल ही में अपनी फेरी दौरान उन्होंने यह देख के दुख होया कि श्री हरिमंदर साहब को जाने वाले रास्ते की सही ढंग से सांभ संभाल नहीं की गई और हैरीटेज वाक वाली सड़क उत्ते गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सानी ने दसा कि वह 1 रोड स्वीपर मशीन वाला ट्रक मुहैया करवाएंगे जो विरासती गली की वार बार चंगी तरह सफाई करेगा। इस दे नाल ही वह गली के सुंदरीकरण लिए लगभग 50 लाख रुपए की ग्रांट प्रदान करेंगे जिस विच वधिया रोशनी लेन के दोवें पासे हरियाली अपाहज लोगों लिए सुचारू आवाजाही वास्ते सहूलत शामिल ने। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण लेके चल रहे अंदोलन कारण बीड जिले में 1 नवंबर तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। एतवार अधी रात तो इतने रोस प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। जनतक निजी जायदाद को हुए नुकसान के कारण जिला कलैक्टर मैजिस्ट्रेट दीपा मधोल मुंडे ने सोमवार रात 8 बजे तुरंत करफ्यू लगा दिता से। मुख्यमंत्री की मीटिंग तो बाद पाबंदियां होर बढ़ा दी गई ने। बीड में 1 नवंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहनगियां। नाल ही CRPF दीयां 5 टुकड़ियां बीड विच शामिल हो गईयां ने। करफ्यू अगले हुक्मां तक बीड जिला हैडक्वार्टर ते सारे तालुका हैडक्वार्टर तो 5 किलोमीटर की सीमा तक सारे नैशनल हाईवे उत्ते भी लागू रहेगा। 17 विच मनोज जरागे पाटिल के अंदोलन के समर्थन में 17 जिले में बंद का सद्दा दिता गया। मराठा क्रांति मोर्चा के कन्वीनर ने इस बंद को शांतमई ढंग करने की अपील की है। मराठा अंदोलनकारियों ने सोलापुर के कई हिस्सों में अगजनी की। इस तों इलावा एक बस में भी फूक दिता गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई में सूबे में नवे उद्यमियों और नवे व्यापारक विचार पेश करने वाले लोगों को लोड़वंद तो सफल कारोबारी बनाने लिए ढुकमा मंच प्रदान किया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा पटियाला जिला प्रशासन वालों स्टार्टअप पंजाब के सहयोग नाल करवाए गए देश भर विचों पहले निवेकले उपराले फ्यूचर टाइकूनज स्टार्टअप चैलेंज 2 मुकाबले के जेतुओं सन्मानित करने लिए थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी में पहुंचे हुए सन। अमन अरोड़ा ने पटियाला जिला प्रशासन वालों डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी की अगवाई में स्टार्टअप पंजाब के सहयोग नाल जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो राही करवाए फ्यूचर टाइकूनज स्टार्टअप चैलेंज 2 की शलाघा करदिया कहा कि इस नाल नवे उद्यमियों की बांह फड़ के उन्होंने फंड नैटवर्क मार्केट में पैर जमाने लिए रस्ता विखाया गया। अमन अरोड़ा ने अगे कहा कि पंजाब के लोगों के मन में बहुत विचार पे ने परंतु इनकी तलाश करके हुनरमंदों को ढुकवें मौके प्रदान करने की जरूरत है और फ्यूचर टाइकून उपराले नाल इस पासे कदम वधाया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई में स्वै रोजगार और स्टार्टअप को वड्डे पद्धर उत्ते उत्साहित कर रही है। देखो इस तरह है कि अज जिस दिन की भगवंत मान जी की अगवाई की सरकार बनी है उस दिन तो ही बच्चों उन्होंने आइडियाज़ को किवें प्रमोट करना है तो किवें उन्होंने अज लोड़वंद तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाना है वो संबंध में जोड़े एफर्ट्स ने वो चल रहे हैं। अब मैं खुशी इस गल की है कि फ्यूचर टाइकून सीजन 2 यानी कि सैकेंड एडिशन पटियाला
साडे डिप्टी कमिश्नर मैडम साक्षी सानी और सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल के अज दा इस सैकेंड सीजन का जिहड़ा उन्होंने फाइनलाइज ग्रैंड फाइनल जिहड़ा कीता जिहदे विच तकरीबन 1100 तों वी वध अलग अलग कैटेगरीज दे विच लोकां ने पार्टिसिपेट कीता। मैं समझदा कि बे इंतहा ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ MD ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਤਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ED ਦੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। JLPL ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 82 ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰਾਟ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਅਲੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਲੀਪੁਰੀਆ, ਮੈਡਮ ਅਨੁਰਾਧਾ ਅਲੀਪੁਰੀਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਰਵੀ ਆਨੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, DSP ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੈਂਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, 3 ਨਵੰਬਰ, 4 ਨਵੰਬਰ, 5 ਨਵੰਬਰ ਸੁਬਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਰਸੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 2-2, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਵਰ ਆਏਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ, 3, 4, 5 ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
महाराणी परनीत कौर एम पी पटियाला ये भी सत्संग आके सुनेंगे, हमेशा ही सुनते रहे ने। पटियाला दे डॉक्टर बलबीर सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर वो भी आ रहे हैं, तो साडा सत्संग दे विच सानू जिहड़ी सब तो वड्डी मदद मिल रही है वह अजीतपाल सिंह कोहली जी साढ़े नाल कंधे नाल कंधा लगा के खड़े ने, ते साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन दे विच कारपोरेशन दे विच ते हर पासे सानू वो हैल्प कर रहे ने। असी यही अपील करते हैं पटियाले की संगत नू, पटियाले दे पब्लिक नू कि अपना जीवन नू वधिया बनाने वास्ते इस सत्संग नू अटेंड करन ते अपने आनंदित होण ते लाभ उठा। पाकिस्तान ते बंगलादेश विचाले एक रोजा विश्व कप 2023 दा 31वां मैच कोलकाता दे ईडन गार्डन विच खेडा जा रहा है। बंगलादेश ने टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी करन दा फैसला किया। पहला बल्लेबाजी करते हुए बंगलादेश ने 45.1 ओवरां विच सारियां विकटां गुआ के 204 दौड़ां बनाईआं अते पाकिस्तान नू जित लई 205 दौड़ां दा टीचा दित्ता। बंगलादेश लई लिटन दास ने 40 दौड़ां, महमूदउल्ला ने 56 दौड़ां, शाकिबल हसन ने 43 दौड़ां, नजमुल हुसैन शांतो ने 4 दौड़ां, मुशफिकर रहीम ने 5 दौड़ां बनाईआं। पंजाबी खबरों के बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते, मौसम के हाल से बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के। धन्यवाद।